मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। चार दिन का और इंतजार, चार दिन 16 घंटे 40 मिनट, या आप लगा लीजिए 122 घंटे 129 मिनट। जो मुहूर्त है ना 12:20, इस हिसाब से देखें तो अभी के हिसाब से 122 घंटे 29 मिनट के बाद प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हम लोग अयोध्या में हैं, लगातार अयोध्या से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लता मंगेशकर चौक, जो राम की पैड़ी के पास है, और आसपास का नज़ारा वाकई देखने को बनता है। अगर वैसे कहा जाए तो पूरे देश को सनातन के एक सूत्र में पिरोने वाला ये प्रभु राम का जो मंदिर बनने जा रहा है ना, ये अयोध्या को करोड़ों राम भक्तों के अर्पण और हजारों लाखों कार सेवकों के तर्पण का फल मिलता है। देखिए, इसी अयोध्या धाम से आज हम आपको बताएंगे कि आज भी ना, जो कहा जा रहा है कि कलयुग में 22 जनवरी से त्रेता युग की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आज भी त्रेता युग की तरह कैसे अयोध्या के खिलाफ एक विचारधारा की अन्याय यात्रा जारी है। ये अन्याय यात्रा राम मंदिर गिराकर शुरू हुई थी और श्री राम को काल्पनिक बताकर जारी है, और अब इस अन्याय यात्रा में कभी श्री राम को बीजेपी के राम बता दिया जाता है, कभी राम मंदिर को मनुवाद की वापसी बता दिया जाता है, कभी मजाक उड़ाया जाता है, कभी ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर पूरे देश का एकजुट होना बहुत परेशान करने वाली बात है, तो कभी ये झूठ फैलाया जाता है कि राम मंदिर जहाँ बन रहा है वो तो प्रभु राम का मूल जन्म स्थान ही नहीं है, कभी राम मंदिर के पुजारियों के पॉन स्टार बताकर फेक न्यूज तक फैलाई जाती है, इस हद तक कुछ लोग गिरे हैं। और अब तो अयोध्या के खिलाफ इस अन्याय यात्रा में सभी लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया गया। रामलला की गुड़िया, रामलला की तुलना गुड़िया से की गई। दुर्भाग्य से अयोध्या के खिलाफ ये अन्याय यात्रा कांग्रेस से ही जुड़ती है। बयान बनाकर सुर्खियों में कैसे बने रहे, केवल इतना ही उनको करना है, इसलिए उनके एक के बाद दूसरे नेता घटिया बयानों देने पे उतरे हैं। राजीव गांधी संध्या मध्य श्रीलंका सर अभी नहीं आ रहे तो वो उनका लॉस है, उनका नष्ट है। राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम निर्दोषता क्यों रही है? राम श्री राम जी को अपना सिंबल बना देते, कमल हटा देते और श्री राम जी को रख देते वहाँ। इस बार कह सकते हैं कि हद पार कर दी गई, इस बार सारी लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया गया। अयोध्या धाम और प्रभु श्री राम के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले इन कांग्रेस नेता का नाम है KN राजन्ना। ये कर्नाटक सरकार में मंत्री है, बहुत बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, कर्नाटक सरकार में मंत्री KN राजन्ना ने अयोध्या की सैकड़ों साल की संघर्ष गाथा, हजारों कार सेवकों के बलिदान और प्रभु श्री राम की जिस मूर्ति का मजाक उड़ाया ना, या जिस मूर्ति का अपमान किया, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। जिसे बताया कि टेंट में तो गुड्डे गुड़िया रखे हुए थे, टेंट में जहां प्रभु राम विराजमान थे रामलला, अब तक कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वहां तो गुड्डे गुड़िया रखे हुए थे। ये पूरा खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के 10 अपडेट एक बार जान लीजिए। आज क्या क्या हुआ मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। गर्भगृह में स्थापना से पहले आज रामलला की मूर्ति को मंदिर परिसर में लाया गया, जी हाँ आज लाया गया, लेकिन सुरक्षा कारणों से एक प्रतीकात्मक मूर्ति को मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया, नंबर एक। नंबर दो, आज राम मंदिर के गर्भगृह में पहली बार शुद्धिकरण की पूजा की गई, सरयू के पवित्र जल से गर्भगृह शुद्ध किया गया। ये पूजा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत दीनेन्द्र दास और पुजारी सुनील दास ने की। कल इसी गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना होगी, कल। नंबर तीन,
राम मंदिर में रामलला जिस गर्भगृह में विराजेंगे, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आज उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। इस भव्य गर्भगृह में सोने का दरवाजा दिखाई दे रहा है और ये गर्भगृह मकराना के मार्बल से बना है। नंबर तीन। नंबर चार, आज की बड़ी खबर, मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर की तस्वीरें जारी की हैं, जिसे देखकर पता चलता है कि मंदिर की सीढ़ी, सिंह द्वार और परकोटा, जो परकोटा है ना, जो परिक्रमा का मंदिर के चारों तरफ बनाया गया, परकोटे के मुख्य द्वार का काम पूरा हो चुका है। नंबर पांच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों लोगों के लिए आस्था और भक्ति का पल है। मैं भी यम नियमों का पालन कर रहा हूं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन राम ज्योति हर घर हर मंदिर में चलेगी। छठा अपडेट आज का जान लीजिए। आज अयोध्या के हनुमानगढ़ी में सफाई अभियान चलाया गया, जो स्वच्छता का संदेश प्रधानमंत्री ने दिया था। आज हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मंदिर की सफाई की। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या से 6 जिलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। अब लखनऊ, सुनिए ध्यान से, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। एक अच्छी खबर, एक अच्छा अपडेट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज अयोध्या में कलश यात्रा निकाली गई। सरयू घाट से राम मंदिर तक निकाली गई इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। नौवा अपडेट, आज की 9 बड़ी खबरें, 10 बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा। अयोध्या में आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूपी पुलिस के 13,000 जवान तैनात किए गए हैं। 22 जनवरी से पहले स्नाइपर्स बड़ी, जहां पर मैं मौजूद हूं, स्नाइपर्स बड़ी इमारतों की छतों पर तैनात होंगे। तो दूसरी तरफ यूपी ATS के कमांडो भी बाइक पर सवार होकर पेट्रोलिंग करेंगे। आज से सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। इसके अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले श्री कृष्ण की नगरी मथुरा भी राममय हो गई। 22 जनवरी को मथुरा में भी कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आप 10 अपडेट अब आप लोगों को समझ में आ गए। अब जिस बात का मैंने जिक्र शुरुआत में किया था ना, कि आज कांग्रेस ने हद पार कर, लक्ष्मण रेखा लांघ दी गई। कांग्रेस में ना इस वक्त एक साथ दो यात्राएं चल रही हैं। एक न्याय यात्रा, जिसे राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक निकाल रहे हैं, और दूसरी है अन्याय यात्रा, जो कांग्रेस के नेता प्रभु राम और अयोध्या के खिलाफ चला रहे हैं। कांग्रेस के नेता अयोध्या के खिलाफ, इस अन्याय यात्रा का नया चैप्टर कर्नाटक से शुरू है। आप हैरान हो जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। इतना भद्दा, इतना बकवास बयान दिया गया है ना। कर्नाटक सरकार में मंत्री KN राजन्ना ने श्रीराम के खिलाफ मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी। KN राजन्ना ने प्रभु श्रीराम को लेकर बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भारत में हजारों साल पुराने इतिहास वाले राम मंदिर हैं, लेकिन बीजेपी चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर बनवा रही है चुनाव के लिए। यहां तक सब ठीक। राजन्ना ने कहा कि जब बाबरी ढाई गई थी तो वो अयोध्या गए थे, बाद में बीजेपी ने दो गुड़ियों को, गुड्डा गुड्डी को तंबू में लाकर रख दिया। ये कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, कर्नाटक में मंत्री हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गुड्डा गुड्डी को, दो गुड़ियों को तंबू में लाकर रख दिया, उन्हें राम बना दिया। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें एक विशेष वाइब्रेशन महसूस होता है। अयोध्या में वो कह रहे हैं मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। अब सोचिए, कांग्रेस के नेता को अगर अयोध्या में, अयोध्या जी में, अयोध्या धाम में, श्री राम के जन्म स्थान पर कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होती ना, तो हम ये डंके की चोट पर कह सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी श्री राम की जीवंतता वो महसूस नहीं कर सकते। और जो प्रभु राम की जीवंतता महसूस नहीं कर सकता, वही इस तरह का भद्दा मजाक उड़ा सकता है, वही रामलला की मूर्ति को गुड़िया कहकर उसका अपमान कर सकता है। राजन्ना ने रामलला की मूर्ति को गुड़िया कहकर न सिर्फ अपमानजनक टिप्पणी की, बल्कि ये भी बता दिया कि वो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के खिलाफ है। यानी जब एक तरफ, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 122 घंटे हैं, आज से 122 घंटे, उस वक्त भी कांग्रेस की अयोध्या पर ये पतन कथा जारी है। कांग्रेस राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम की मूर्ति को गुड़िया कहकर अपमान कर रही है। कहा जाएगा कि कांग्रेस का बयान नहीं है, तो कांग्रेस के मंत्री का, तो कांग्रेस के किस नेता ने अब तक इस बयान का विरोध किया? या कर्नाटक के मंत्री पर कोई एक्शन हुआ अब तक? उनका प्रमोशन होगा। राजन्ना के इस बयान से आसानी से समझा जा सकता है कि कांग्रेस अयोध्या को दूर से राम राम क्यों कर रही है।
कांग्रेस पार्टी अयोध्या को दूर से राम राम क्यों कर रही है, सुनिए। अनाप शनाप बयानबाजी बंद होनी चाहिए। और ये कांग्रेस का दर्द दिखता है कि जो कभी चाहती नहीं थी कि राम मंदिर बने, अब बन गया है तो दूरी कैसे बनाएं, अपमानित कैसे करें और बयान बनाकर सुर्खियों में कैसे बने रहें। केवल इतना ही उनको करना है, इसलिए उनके एक के बाद दूसरे नेता घटिया बयानों देने पे उतरे। ये राजन्ना का बयान प्रभु श्री राम के खिलाफ अन्याय यात्रा का नया चैप्टर है। ये अन्याय यात्रा है, न्याय यात्रा चल रही है, ये प्रभु राम के खिलाफ एक अन्याय यात्रा पर निकले हुए कांग्रेस के नेता। आप याद करिए, राजन्ना से पहले कांग्रेस इस अन्याय यात्रा के लिए क्या क्या पड़ाव पार कर चुके, एक रिवीजन आपको करा देते हैं। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर पर यह भ्रम फैलाया कि राम जन्मभूमि वाली जगह पर राम मंदिर का निर्माण ही नहीं हो रहा है। याद है वो संजय राउत का बयान, उन्होंने कहा कि बाबरी बेकारी गिरा दी, जो जन्म स्थान है वहां तो मंदिर ही नहीं बन रहा है, मंदिर वहां से 4 किलोमीटर दूर बन रहा है। ये फेक न्यूज फैलाई गई थी ना, नंबर एक। ये रिवीजन करा रहा हूं, अब तक अब कौन कौन से चैप्टर अब तक खुल चुके हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने कहकर दुख जाहिर किया था कि पूरा देश राम मंदिर पर जुटा हुआ है। वो बहुत परेशान थे कि पूरा देश राम मंदिर पर अटक गया, जैसे कोई और बात ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। वो बहुत परेशान है कि देश राम मंदिर पर अटक क्यों गया। और सुनिए, लिस्ट बहुत लंबी है। कर्नाटक के कांग्रेस नेता ने कहा था कि हम बीजेपी के राम की पूजा क्यों करें। उदित राज कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, क्या कहा था उन्होंने, राम मंदिर से मनुवाद की वापसी हो रही है, मनुवाद की वापसी। इससे पहले गुजरात पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया था क्योंकि राम मंदिर के पुजारी को पॉर्न स्टार की तरह उन्होंने दिखाया था। हद पार लगातार की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन को पुलवामा अटैक से भी जोड़ चुकी है। कांग्रेस के नेता कह चुके हैं जैसे पुलवामा कराया वैसे ये चल रहा है। लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं।